हैं जी, हम इन्हें बिस्मिल्लाह करते हैं जी। और ये अपने नेस्टिंग जो है मटेरियल, नेस्टिंग मटेरियल जो है तो आए जी इन्हें डालते हैं। ठीक है जी, आए जी आए ले ये इन्हें डाल दिया है जी। ठीक है, अब ये यहाँ से वन बाय वन उठाएंगी और अपना जो है वो केज अपनी जो है नेस्टिंग करना जी स्टार्ट कर देंगी इस कुजे के अंदर। ठीक है जी, तो आए जी इसे भी ऐसे ही डालते हैं जी हम इस वाले पेड़ को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक हो गया जी दोस्तों, हमने इस वाले पेड़ की भी नेस्टिंग जी कर दी है, सॉरी डाल दी है। अब ये जो है दोनों पेड़ अपनी नेस्टिंग जो है मटीरियल को उठाएंगे और अपने केजेस में नेस्टिंग बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, कौन सी मुर्गी है? ये वाली मुर्गी है तो जी अब्दुल अब्दुल मुकीद कह रहे जी वो मुर्गियाँ बाहर निकली जा रही हैं, चूजे जो है। तो जी आए जी इन्हें पानी भी डाल देते हैं, पानी ये देखें इनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। चलो जी, इनका भी बहुत गंदा पानी है, क्या करें। ये लें जी, इनका भी दोस्तों पानी भी चेंज कर देते हैं। ले जी, लो जी इंजॉय करो। इन्हें आए जी दाना भी थोड़ा सा डाल देते हैं और क्या जी दाने में जी ये देखें इनकी फेवरेट है ये थोड़ा सी ये दाना। ठीक है जी, और इसके ऊपर टॉपिंग हम करेंगे जी इस दाने की, क्योंकि रोटियां तो इन्होंने भी खा ली हैं, तो ये दाने की जी ऊपर टॉपिंग हो गई। ठीक हो गया जी, और सेम जी ऐसे ही हम सील को भी देंगे। सबसे पहले जी ये वाला दाना आ गया और इसके ऊपर टॉपिंग जो होगी वो हमारे इस दाने की होगी, फीड की टॉपिंग हो जाएगी जी ऊपर। ठीक हो गया जी, और ये गया इधर इसके अंदर, और जी ये इधर करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर मिक्स कर देंगे ताकि ये खा सके आराम से। ये देखें ये गीला दाना कितना शौक से खाती हैं, अभी जितनी आई हैं जिन्हों को पता चला वो आ गई हैं। तो जी इन्हें बंद करते हैं बाकी सबको भी। अब अब्दुल मुकीद इन्हें बंद कर दें जी, बंद कर दें इन्हें। चलें जी, अब्दुल मुकीद कह रहे हैं जी इन्हें बंद करें, तो फिर जी इनकी बारी है खोलने की, इन्हें भी दाना पानी भी डालना है अभी। और एग्ज़ इन्होंने भी ओबियसली दिए होंगे, वो भी देखते हैं इन्होंने एग्ज़ वगैरह कोई दिए हैं कि नहीं। चलो जी अंदर सारे, चलो भी चलो चलो भी चलो चलो जी। ये जी सारे चले गए हैं, ये देखें ऑटोमेटिकली अब कितने इन्हें पता चल गया। इस साइड पे ये देसी सील जो है वो इस साइड पे दाना खा रहे हैं और जो हमारी टर्की हैंस हैं वो दूसरी साइड पे चले गई हैं जी, और वो लास्ट पे हमारी ये चकोरे हैं। और सच याद आया जी, इनका चकोर का एग भी लेके जाना था हमने नीचे, जो हमने रखा था इधर। ठीक है जी, तो आए जी चलते हैं, इन्हें करते हैं गुड बाय। ओप तेरी अभी आने लगा था अंदर। ठीक है जी, ये हमने रख दिया इधर। तो आए जी दोस्तों, ये जो थोड़ा बहुत बच्चा रह गया है वो अब जी सील को सॉरी देसी को डाल देते हैं अपने। लो जी आप भी खाओ, और इन्हें जी यहाँ से दूसरा दाना भी डाल देते हैं, या क्योंकि वो दाना थोड़ा कम बचा है इस वजह से। लो जी इंजॉय करो। लो जी ठीक हो गया जी, और एग भी चेक कर लेते हैं, एग्स दिए हुए हैं। लेकिन ये मुर्गा यार थोड़ा सा ना मारता है दोस्तों मुझे, इस वजह से ना थोड़ा सा मुर्गे से डर लगता है। तो लेकिन एग्स तो लेके जाने हैं, नहीं तो फिर सुबह ले जाएंगे। तो जी आज हमने ये जो हमारा रोज़ का प्लांट था जो इस टाइम ख़राब हो चुका है जी, इसकी जगह पे हम लेके आए जी न्यू प्लांट्स, वो हैं जी ये एक है जी इसमें कड़ी पत्ते का, ठीक है जी प्लांट, ये जो बड़े वाला है, और ये जो छोटे वाला है इसे मे बी शुगर प्लांट कहते हैं, कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि मीठा होता है और शायद खाने वगैरह में भी यूज़ होता है। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारे ये जो है गनफॉल्स, ये उसकी आवाज़ है जो आपको मे बी सुनाई दे रही होगी। अच्छा जी, दो प्लांट ये हैं जी, और तीसरा प्लांट जो है जी वो हमारा ये है जी प्लांट, ठीक है जी, ये ऑटोमेटिकली खुद ही ग्रो हो गया है लेकिन मैंने इसका पता करवाया था। तो ये है जी फालसे का प्लांट, और हमने ये प्लांट यहाँ से भी निकालना है और ये भी लगाएंगे हम पोट में। ठीक है जी, तो आए जी काम शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे बहुत खूब से। और जनाब आज हमारा जो काम है वो ये है कि आपको बताया जो इस तरह हम काम करेंगे, ठीक है जी,
और काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा ताकि जैसे हम मिनी जू के व्लॉग चल रहे हैं ऐसे मिनी गार्डन के भी अब डेली व्लॉग आया करेंगे। तो आए जी काम शुरू करते हैं। यस ये जी इसे अब अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ठीक है जी स्टोव पर। तो जी ये हमारी एक चीज रह गई थी, ये भी लाजमी है इसमें डालनी। ठीक है जी, और इससे ये होगा कि इसमें जो कीड़े हैं वो नहीं पड़ेंगे। ठीक है जी, तो आए जी हम इसे भी डालते हैं। इसका पाउडर जो है वैसे वो बना के डालते हैं, तो हम ऐसे करते हैं इसके नीचे से पाउडर निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा बस हमने इसमें मिक्स करना है, ये देखें। ठीक है जी, ये थोड़ा सा हमने इसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब इसे जी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ठीक है जी, और इसकी साइडें जो है ये सारी वापस अब मिट्टी से भर देंगे, और जो अब पकाया है ऊपर टॉपिंग के लिए वो दोबारा हम मिट्टी इसमें डाल देंगे। ठीक हो गया जी। अब हमारा जो दूसरा है जी ये शुगर प्लांट का, ये रह गया, तो आए जी इसे लगाते हैं। तो जी ये है इसका पहला इसमें जिसमें आया था जो। ठीक है जी, ये नीचे इसके जड़े भी हैं, तो आए जी इसे उगाते हैं। ले जी ये इसे जी उगा दिया, ये एक्स्ट्रा है ये इसे निकाल देते हैं जड़ी बूटियां से। बिस्मिल्लाह। ले जी ये देखें जी, ये माशाल्लाह हमारा जो है प्लांट वो तैयार हो गया है इसी वक्त। लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती से ये खराब हो गया। बहुत जबरदस्त ग्रो हो रहा था, डेली के फ्लावरिंग इस पे होती थी, तो वो गलती ये थी, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, वो गलती ये थी कि मैंने इसके अंदर जो खाद होती है, ठीक है जी, फर्टिलाइजर्स जो होती हैं वो मैंने इसके अंदर ज़्यादा मिकदार में डाल दी थी, जिसकी वजह से ये ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो आए इसे भी चेंज करके इसकी जगह पे फालसे का जी एक प्लांट है वो हम ग्रो करते हैं। ठीक है जी, तो इसे पहले सोइल को नरम कर लेंगे, और ये देखें जी बड़े आराम से ये निकल आया। जी तो आए जी से लगाते हैं। यस, तो जी हमारे ये भी प्लांट जो है ये जी फालसे का प्लांट है। ठीक है, इसकी पिक्चर आ रही होगी अगर किसी भाई को नहीं पता, तो ये है जी कड़ी पत्ते का प्लांट जो हमने आज ग्रो किया है, और ये है जी शुगर प्लांट। ठीक है जी, तो ये जो चारों प्लांट है जी, तीनों सॉरी प्लांट है, ये अभी हमने ग्रो किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है जी आपको आज की भी वीडियो अच्छी लगी होगी और लिटिल बिट इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी, जो हमने न्यू एक प्लांट उगाया था उसकी। ठीक है जी, तो काइंडली अब नेक्स्ट जो है हमारी मिनी व्लॉग्स मिनी जू पे सॉरी व्लॉग्स आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो काइंडली उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।